और ये महालक्ष्मी का सिग्नल है इधर आगे जाके। ओह देखो और घोड़े दौड़ रहे हैं, आवाज कर रहा है करके। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है बालकनी में खड़े होके। सो अभी मैं हूँ विट्ठल काणिया के घर पे, पलावा में हूँ अभी मैं। और ये देखो मेरे सामने का ऐसा कुछ व्यू, ये सब है, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, बट फिलहाल के लिए कहाँ हैं तो हम हैं विट्ठल काणिया के घर पे, जो कि अजय देवगन बन के आपको सामने बैठा हुआ दिखेगा। अच्छा ये अंकल हैं कि भैया हैं ये सामने वाले? अंकल है ना। हाँ। विट्ठल गाने की लिफ्ट आग का ऑपरेशन हुआ पता चल रहा है क्या? थोड़ा इधर हो जरा, राइट राइट राइट। अच्छा तो राइट आँख का कुछ पता तो चल नहीं रहा है, इसे कुछ दिखा ऐसा जिससे पता चले कि कुछ हुआ है आँख में? ये ना ये स्टिचेस लगे हैं, ये देख ब्लड क्लॉट है। तुम जा जूम कर। हाँ रेड रेड हो रही है, ब्लड क्लॉट है वहाँ पे, स्टिचेस मारे। तो ये जो था कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, कुछ तो हुआ है लंबा सा इसके साथ में? नहीं कैटरेक्ट था और आयरिस डिडेलोसिस था, जो क्रैकर फूटा था ना मेरा आईरिस फट गया था नीचे से, तो वहाँ पे 3 स्टिचेस आए ऐसा। आ गया दूध, आ गया भाई साहब, चाय पियेंगे उसके बाद में बाकी। और ये देखो कौन है यहाँ पे, दिखता है कौन है वहाँ पे, बाहर कैमरा लगा है, यहाँ से आप बात भी कर सकते हो, देख भी सकते हो और वहाँ दिखा। अभी बात कर लेते हैं अपने मेन वीडियो के बारे में, रेस कोर्स के बारे में। उसके पहले दो चीज़ ये है कि भाई पहले तो मैं पहली बार गया था वहाँ पे, तो कहाँ से क्या घुसना है क्या करना है कोई आइडिया नहीं था अपने को। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में कहीं से, हाँ बेटा एक मिनट, दूसरी चीज़ कहीं से ये मेरे दिमाग में घुस गया था कि भाई वहाँ पे जाने का टाइम है 5 से सुबह 8 बजे तक, जबकि है 5 से 9 बजे तक। तो पूरे वीडियो में अगर 8 बजे को रेफरेंस लेके मैंने किया है तो वो थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी तो जॉगिंग एंड वॉकिंग टाइमिंग 5 AM to 9 AM एंड 4 PM to 8 PM, ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आना पड़ेगा फिर मेरे को, तो ये मेरे को पता नहीं था। सो ये दो टाइमिंग में कोई भी जा सकता है रेस कोर्स में, ओपन टू ऑल होता है। अब अपन गए थे आराम से 10 बजे सोते सोते, तो सब बंद। अब मैं वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा था कि 4 बजे आऊँगा शाम को वापस, तभी दो आए बाइक वाले, अंदर जाने लग गए, वो जाने लग गए तो उसके पीछे पीछे फिर अपन भी घुस लिए। तो यहाँ पे फिर अपने को पता चला कि इस गेट से कोई भी अंदर जा सकता है, तो मेन रेस कोर्स में आप तब नहीं जा पाओगे, बट बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो ग्राउंड है, वहाँ पे आप जा सकते हो। बाकी मैं जो एंटर हुआ था तो मैं था लाला लाजपत राय मार्ग पे, तो हाजी अली के सामने वाला जो रोड है तो वही रोड है ये। सो अभी ये जो लेफ्ट में आपको गेट दिख रहा है ये रेस कोर्स का एंट्रेंस है मेन, बट ये था पहली पहली बार आप अगर आते हो तो ऐसा सब थोड़ा एक्सप्लोर करने में टाइम लग जाता है। सो ये तो है बाहर का एरिया, ऑल टाइम एक्सेस है यहाँ, तो आप कभी भी आ सकते हो। और यही सीधी रोड अगर आप चले जाओगे तो आपको अपोजिट साइड में वो निकालती है जहाँ पे एक्चुअल में स्टैंड के लिए एंट्री है। तो जब एक्चुअल रेस होती है तो जो आप देखते हो ना स्टैंड में खड़े होके, तो वो वाली जगह है। सो वहाँ पे मैं गया था, थोड़ी इंक्वायरी की वहाँ पे। एक्सक्यूज मी अंकल, अंदर जाने के लिए क्या प्रोसेस है? जस्ट टू हैंग अराउंड। अच्छा ओके, फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग ठीक है सर। वॉकिंग और जॉगिंग के लिए क्या रास्ता है और कहाँ से है? सर जॉगिंग का टाइम है, जॉगिंग का सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक, और 4 to 8 4 बजे से 8 बजे तक ठीक है। लास्ट गेट से अंदर जाने, ये इनमें लास्ट गेट है, लास्ट गेट से अंदर जाने। थैंक यू। मेंबर एंट्री प्लस मोबाइल चार्जेस 400 और नॉन मेंबर के लिए 800। एक बार 800 रुपये देखें एंड देन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो दिस इज़ वन मोर एंट्रेंस, और वो जो 50 रुपये का काउंटर बोल रहे थे वो ये है जहाँ से सब लोग जा रहे हैं। सो ये सब इंक्वायरी करने के बाद फिर मैं गया था सेकेंड डे, और तब अपन गए थे एकदम प्रॉपर टाइमिंग्स पे।
सो नाउ दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम कमिंग हियर. सुबह सुबह अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 7:40 हो गए और ये सामने हाजी अली और यहीं से इसका रास्ता है. तो भाई एंटर होते से सामने अपने को घोड़े दिख चुके हैं, ये देखो ये यहाँ से पीछे सामने से एंटर हुए हैं और घोड़े एकदम और अंदर कितने सारे हैं यार. भाई सुबह सुबह तो फुल माहौल है एकदम यार. उस दिन मैं थोड़ा सा 10 बजे के आसपास आया था, कुछ नहीं था, एकदम बंद सा था. ये देखो घोड़े ही घोड़े हैं हर जगह. सो ये है मेन एंट्री. सो हेलो एंड वेलकम फ्रॉम द रेस कोर्स. 8 बजे के पहले अपन यहाँ पर एंटर हो गए थे, थोड़ा घूमे आसपास में, थोड़े बहुत वीडियोस निकाले, बट उसके बाद अपने को ये फिर एक जगह मिली आराम से जहाँ पे कोई कुछ नहीं है, पब्लिक उधर खेल रही है अपना जो कर रही है. यहाँ पे अपन आराम से बैठ के थोड़ा सा पहले तो चिल करेंगे क्योंकि बहुत सारी ना यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन सी फील हो रही है. तो पहले तो थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको और बाकी का दिखाता हूँ. बाकी यार यहाँ पे बीच में खड़े हो गए ना, इफ़ यू सी तो देखो मस्त मस्त साइड में बिल्डिंग है पूरी. देखो उधर हो ही रही है अभी भी रेस. तो ये पूरा एरिया देखो, तो ये जो सामने अब आपको दिख रहा है ये सारे तो स्टैंड्स हैं, जब रेस होती है तो यहाँ पे बैठ के आप देखते हो. ये मेन ग्राउंड है बीच में जहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर फुटबॉल की कोचिंग चल रही है, और भी लोग थे आगे, कोई योगा कर रहा था, कोई कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, सफाई भी हो रही है. बाकी यहाँ पे सामने आपको पूरी वर्ली और लोअर परेल की बिल्डिंग्स दिख रही हैं. देखो वो सामने पलायस रॉयल इंडिया बुल्स, ये सेंट रेजिस की बिल्डिंग है सामने जो आपको दिख रही है, वो दोनों जो दिख रही हैं बीच में, वो पेनिनसुला, वो लोअर परेल स्टेशन, ये मैराथन, बढ़िया है. बाकी ये दिख रहा है बीच में वो दैट इज़ वर्ल्ड टावर और उसी की 2-3 बिल्डिंग द पार्क की. दिस इज़ हाउ इट इज़. ये मुंबई सेंट्रल की बिल्डिंग ये वाली, और फिर वो देखो वो दोनों अपने ट्विन टावर इम्पीरियल टावर्स. बच्चा टीम इज़ रेडी फॉर क्रिकेट हियर, बच्चा टीम इज़ रेडी फॉर फुटबॉल उधर, बड़ा टीम इज़ रेडी फॉर फुटबॉल उधर, बच्चा टीम रनिंग कर रही है. वैसे इधर तो प्रॉपर कोचिंग चल रही है यार. उधर अंकल जी योगा कर रहे हैं, वो दूसरे अंकल जी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इधर बड़े लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर बड़े लोग क्रिकेट खेलने वालों को देख रहे हैं. देखो यहाँ पे फंक्शनल वर्कआउट चल रहा है, कौन ट्रेन कौन कर रहा है इनको, जो भी कर रहा है. सो जो ट्रैक है हॉर्स राइडिंग का वो कुछ इस टाइप का है, मिट्टी है और उसी पे जो घोड़े हैं मस्त में दौड़ रहे हैं. प्रैक्टिस तो चल ही रही है और दिस इज़ 400. सामने जो पूरा आपको स्टैंड दिख रहा है ये है जब रेस होती है तो वहाँ पे बैठ के दिखते हैं, और वो एक और स्टैंड है यहाँ पे भी कुछ कुछ है. तो इसका एंट्री वही गेट है जहाँ पे हमने अंकल से इंक्वायरी की थी ना. सो फिलहाल अभी अब बाहर जाया जा रहा है फिर से, क्योंकि हो गया घूम लिया पूरा. अब पूरा तो मैं ऐसे वहाँ से पूरा चक्कर तो मार नहीं रहा हूँ. बाहर निकलते निकलते ये क्या है आई डोंट नो, अपन पहली बार आए भाई, अपने को इतना आइडिया नहीं है. तो ये जो भी है बता देना जिसको भी पता है. ये लाइट्स वाइट लगी हैं यहाँ पे, वो अंबानी साहब का भी घर दिख रहा है बीच में छोटा सा. सो भाई ये था पूरा. ओ मैं आपको हॉर्स एम्बुलेंस दिखाना तो भूल ही गया. तो ये जो सामने खड़ी है ना एम्बुलेंस, दिस इज़ हॉर्स एम्बुलेंस. तो सारे घोड़े हैं उनके लिए भी चाहिए एम्बुलेंस. सो यार यही था पूरा रेस कोर्स और अब मैं निकल रहा हूँ बाहर. वो देखो बाहर निकलते निकलते मालिश वाले भैया दिख गए. तो ये 20 का बोर्ड आ गया और उधर वो 2000 का बोर्ड. सो ऐसे पूरा सर्कल और घुमा के इधर 2000. सो भाई ये था पूरा रेस कोर्स. अब हम अपन निकल रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं, घोड़ों के साथ हम भी बाहर निकल लेते हैं. ये देखो ऐसा ऐसा सा ट्रैक रहता है, ये इस पे भागते हैं. अंदर भी जो मेन भागने वाला ट्रैक है वो ऐसे ही है मिट्टी. तो यार बस यही था पूरा रेस कोर्स का वीडियो. पहली बार मैं गया था, तो पहली बार आप कहीं भी जाते हो तो जगह अच्छी लगती है. आप लोग को कैसी लगी आप बताओ मेरे को कमेंट्स में. बाकी ये वीडियो संडे को आना चाहिए था, बट जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना, हमारे विट्ठल कानिया का थोड़ा ऑपरेशन वगैरह का सिस्टम हो गया था तो उसमें उलझ गए थे, तो फिर थोड़ा सा डिले हो गया. बट दैट इज़ ओके, यू गाइज ऑलवेज टू सपोर्ट. तो बस ऐसे ही देखते रहो, दूसरे वीडियोज में जाके देखो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना. तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ही ऐसी कुछ वीडियो में.